राजेंद्र जी लोंडिया से कौन आ रही था रे? लोंडिया बता रहा, बहू है मेरी। तेरी बहू मतलब? बहू तो अरे बहू है, ब्याह के लाया हूँ। और तुम क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? तेरे तो पूछ के ही कर रहे हैं कि हम सारे काम कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हूँ। मेरे यार सर मत ही ना, रखवाली कर रहे हैं हम। तेरे की डाल के सो अंडे गलू में पूछते कौन कहाँ तार है। अरे तू केले है बाहर से हैं? तुम्हारे घर में ताक का झांकी करता रहे। पहले तो तुम्हारे बाल को क्या करा था, अब मारी बहू बेटी पर नजर मारन लगा। तू जज है, थानेदार है, दरोगा है, मजिस्ट्रेट है, क्या है तू? तू अपना रास्ता ना। ब्याह के लाए बहू है मारी, बता। ब्याह के लाए? और पहली बहू? अरे उसके 14 बालक हो लिए थे, फेरू आगे नखरे करने लगी। मैंने उसके बाप से कही मका अपनी लोंडिया को ले जा और इन सारे बालकों को भी ले जा, या मेरा दूसरा ब्याह करवा दे। वो डर गया इतने बालक पालने बस की थोड़े ना सबके, फिर उन्होंने ही करवाया दूसरा ब्याह। और एक बात बता, तू धार लेके अपने घर को क्यों नहीं जाता? तहकीकात कर रहा है यहाँ तेरा ससुरा। 14 बालक उससे करवाए, 14 इससे करवाऊंगे। अरे मेट्रो ले आऊंगे, मेट्रो आगे तेरी समझ में ना आए। हाँ हम मेट्रो लेंगे। हाँ अब इसके 14 कर दियो, फिर तीसरी ले आइयो, फिर चौथी ले आइयो। सारी लड़की थारनिया ने बैठी है इस समाज की। इरे भुंडी फूटड़ी के करम देख मारे करम, किसी के एक बहू न मिलती, मारे दो दो आ रही हैं। जरूरत पड़ेगी तीसरी ले आऊंगे। तू बता तुझे क्या परेशानी हो रही है? तेरे घर खाने जा रहे हैं ये, तुझे सता रहे हैं किसी चीज में, नू बता दे। अरे तेरे के चीड़ है, तू हमें यह बात बता। अरे समाज में लड़कियों की इतनी कमी है, लड़कों को एक बहू नहीं मिल रही और तुम यहाँ दो दो लियो बैठे। सुनाई ना ही तुझे, हम तो लावेंगे, हम तो मेट्रो ले आऊंगे, मेट्रो। क्या ही बेर बता दी तुझे? अरे चाची तो मैं दूसरी बहू की जरूरत के पड़ रही थी, थारे 14 बालक हो तो लिए थे, तुम्हें शांति नहीं मिली? अबे 14 हो लिए थे तो के हो गया, अभी तो हम और करेंगे। अरे तुम्हारा दम देखना। ओ भाई किशन, तू बिना मतलब हमें देख के जड़े। राजेंद्र की माँ ठीक कह रही, मेट्रो हमारा आने ही वाली है और तेरे वाले छोरे को ही देंगे सबसे पहली नौकरी। तेरे वाला इंजीनियर है, ये उसमें ड्राइवरी कर लेगा, ठीक है? और नू ना करे करते जो कर तू कर रहा। किसान तेरी समझ में ना आ रही। अरे जब मेट्रो में लगी ना अगली सीट पे बैठा, पहले तुझे ही बैठाऊंगी, तू टेंशन ना ले। तेरे ससुरे ई रिक्शा को मेट्रो बता रहे, रिक्शा लाओगे तुम? अरे ये मारे कर्मो से जल रहा, अरे नू ही जल जल के कोयला होता रहेगा, कुछ तो काला है ही, और जल के काला हो जाओगा और हम नुई फलते फूलते रहोगे। भोकन देना इसे पर। हाँ फलते फूलते रहो, तुम फूल फूल के सारी धरती को कब्जा लो। अरे हम सारी दुनिया कब जाओगे, तू बता क्या करेगा? अरे तू अपने घर को जा, तू तो हार ले रहा है यहाँ, तुझे पूछ रहा है यहाँ कोई, चल निकल तेरा ससुरा। अरे किसान हमारे बालक तो पढ़ रहे ना, तेरा बालक तो पढ़ रहा, अरे तेरा ही चला कर ले चला करेगा मेट्रो, तू काहे को टेंशन ले रहा। हाँ तेरे को ड्राइवर बना देंगे हम, नौकरी देंगे उसे। जा लिकट जा, भतेरे सिम जा लिए थे। अरे इस मार तो मैं तेरे ब्याह के लड्डू ना देखा ही, मुझे पता ही नहीं, तू सैकड़ों बात पूछता। पता ना के लंडू सामान रे अपने आप। अरे बापू हाँ मेरी समझ में एक बात आवे। बता। इसे जो भी होता होगा देखा जाएगा, इस साले की सोल बैठा लो पहले। इसकी भी सोल बैठाओगे, बालक बड़े होने लग रही, बैठा दे चल देखता जा। ये तो याद कर ले तू, पर यू नु जल जल का मर जाएगा, आओ अंदर पर को चलो। सलाहकार आशीर्वाद ले, जीते रहो जीते रहो, जाओ देख के चलना। अरे कैसे मुंह बिगाड़ से रखा है? अरे मुंह तो ठीक है, मूड खराब है। क्या बात होगी? अरे वही पैसे वाला लफड़ा, सवेरी सवेरी मारे बालक पैसे मांगे लगे, फिर घरवाली तो मैं पता ही है प्रधानमंत्री है, फिर मारी माँ विधायक है। तुझे मन ने ठंडे दिमाग ते कई बार समझा लिया, तू बात को समझता ही नहीं। अरे घर गृहस्थी में खर्चा तो हो गई है, जितने ज्यादा बालक उतना ज्यादा खर्चा। अरे यार तू कैसी बात करे, यू बालक होने ना होने अपने हाथ में है के? किसके हाथ में है ये? है? अपने हाथ में ही तो है, इतने साधन है यार, तुम उनका इस्तेमाल नहीं करते। ओ भैया मुझे पता तू क्या कहने वाला, हम ये सिस्टम अपना के अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते। उन्हें यूज करके थारा धर्म भ्रष्ट कैसे हो जाएगा? अरे उन्हें यूज नहीं करोगे, उनते बचोगे तो धर्म भ्रष्ट होगा। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, काम काज कुछ है नहीं, लोग चोरी चकारी डकैती करते फिर। अरे तू ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री तो मने मत ना यार, तुझे पता सरकार भी बालक होने पे 6,000 रुपए दे रही है। अरे वो सरकार पे बालक पैदा होने पे नहीं दे रही, वो बालक और जच्चा की देखभाल के लिए दे रही है। इसका मतलब नु थोड़ा ही है तुम बालक पैदा करते जाओ,
एक बात बताऊं तुझे, अब सरकार ने कानून बना दिया है जेल में भी गिरेगी ज्यादा बालक पैदा करने। अरे जब जेल होगी जब की जब देखी जाओगी। डरा रहा है, देखा कुछ नहीं जा, परेशान हो जाएगा। देख सोच, तुम 5-7 बालक हो अपने माँ बाप के, थारे माँ बाप गरीब रह गए, 5-7 तुम भी गरीब रह गए। अब थारे 5-7 तो के जो जो बालक होंगे वे सब गरीब रह जाएंगे। अरे बात को समझो, फिरोगे नहीं तो दो को समझा रहा हूँ भाई। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होंगे। अरे तेरे रुक के रुकेगा के, यूँ तो होके रहेगा। जब बालकों के धोरे ना कोई काज होगा ना काम होगा और खर्चे बराबर होंगे, के करेंगे वे, इसी राह पे चलेंगे फिर। अरे ओ किशन, यू बालक रुकवाण ते न्यारा और भी कोई भाषण है तेरे धोरे की नहीं? अरे चचा, यू भाषण नहीं है, यू समय की मांग है। इस बात को पहचानो, जनसंख्या कंट्रोल करो, नहीं तो सारी चीज कम पड़ जाएगी और इस धरती पे हाहाकार मचेगा। सरकार के काम आवेगी, फेरवा देगी खान को। अरे चचा, सरकार भी कहाँ तक देवेगी खाने को? खान को ना देगी तो काम तो देगी। अरे चचा, सरकार भी कहाँ तक काम दे देगी, उसकी भी तो एक लिमिट है। तुम के चाहो, तुम नू चाहोगे महारे बालक दाने दाने को भटके, बूंद बूंद पानी को तरसे, हर चीज की न्याय यहाँ महाभारत हो, मारे बालक कटोरा लेके भीख मांगते फिरे कल, नू ही चाहोगे तुम? यार एक बात बता, मेरे एक आदमी के बालक कम पैदा करने से जनसंख्या में कुछ फर्क पड़ रहा के? ये इतने लोग इतने पैदा कर रहे। अरे राजेंद्र, तू अपनी बात करना, तने सारी दुनिया का ठेका थोड़ी ठा रखा, तू अपने आप को सुधार ले, बाकी दुनिया अपने आप सुधरे। खैर नू तो कोई नहीं चाहता। अरे नहीं चाहते तो इस बात को समझो ना। अरे किशन के बच्चे, तू फिर भाषण देन लगा दिखे, तुझे हम ही मिला है मुंड मारने को और न मिलता है कोई गांव में। अरे चाची, तुम मेरे पड़ोसी हो, सबसे बढ़िया पड़ोसी हो, जब मेरी तुम नहीं मानते तो सारा काम क्यों सुनेगा मेरी है? अरे हम तेरी सारी बात सुनेंगे, पर यू बालको वाली नहीं मानने हम तेरी एक भी बात। तू तो ले वैर मेरे बालको को कहने लग जा। अरे जो से मुँह को रोज ठा के यहाँ आ जा हमारे दौर। अरे चाची, जो तो यू बालको वाली बात मान ले तो मैं दुनिया की फेर तुझे कोई बात नहीं बताऊं, ना उनकी जरूरत पड़े। और जो तू सारी दुनिया की बात मानती हो, और यू एक एक बात को मत मानने, तू फिर उन बातों का कोई फायदा नहीं। हम ना मानने तेरी कुछ भी, तू अपने घर को जा। चाची मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना, समझना ना समझना थारी मर्जी, मेरा बाबू। पापा का बेटा है, ले खा ले। अरे क्या है मायो? अरे घी शक्कर है, खा ले। अरे लामा खावेगी जब तक तन मन से जान पड़ेगी, तुम भी खा लो ना। तू खा, सेहत बन जाएगी। अरे राजेंद्र, अरे मेरे पैसा दे बना गई। इसे भीतर को बुलाओ, आज इसके गले में फंदा मैं ही घेरूंगी। आ जा भीतर को ही, आ जा आ जा। हां तो हम लिए। अरे राजेंद्र, हमारे पैसे ना दे भाई। देंगे चवनीलाल, तेरे पैसे देंगे। कब देगा राजेंद्र? एक बात बताऊं, हाँ। बालक तो तेरे बहुत हो लिए, हाँ। हाँ। तेरी बहू के चेहरे पर चमक लगता है। भाई चमकता है, जो इतनी देर से मुझे देखने लग रहा, तुम बैठे हुए देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ यार, तुझे तो मैं ही देख सकूँ बस। ना तो मैं ना पता, यूँ भुंडी शक्ल का कैसे देख सके। एक काम कर, आज इसका पूरा हिसाब कर ही दे, वो जो बोरी जो धरी ना पैसे वाली। अरे तू पैसे मांगना आवे, हमारी बहू बेटी पर नजर मारना आवे। भाई मैं तो अपना खर्च पटाने आऊं भाई। मैं मार दिया रे, मैं मार। आ जा आज ले कर दे, मैं मार दिया। आ जा 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 इन बीड़ी को छोड़ दे। अरे पकड़, बीड़ी में मर रहे, बीड़ी पी पी का खुद ही बीड़ी सा हो रहा। सारी सारी बे मतलब की बात। अरे भैया तो मेरा पक्का ही होगा। क्यों ठीक तो है? ऐसा ना कर रहे जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़ जाए जब नुकर के चले। अरे ये मोबाइल से दबे अंजे जा नुई कान के तले को। अरे उत्ते ना कैसा भेस बना रखा, अरे ना इस उत्ते को कुत्ते फाड़ते। अरे ऐसा ना कोई कुछ करता। कहाँ रह गया यू राजेंद्र? राजेंद्र आज चल लेंगे रे।
चलो बापू ले ली। जाओ दिया सैनक। हाँ बापू सैनक का सारा सामान ले लिया। हाँ ले लिया जा। अरे यार कल उसने रविंद्र भगत जी ने बुला लिया मुझे चौतरे पे। क्यों भाई? कह रहा मेरे ब्याह का योग बन रहा। अरे वो तो झूठ बोला है, कितना योग बनाता फिर है। अरे 10 बार तो योग मेरे बना लिए। हाँ ऐसी कोई बात ना, वो जो कहवे सही बात हो उस पर बाबा मैं। उसने सतपाल से कही तेरा लुंडा होगा, उसकी बहू का तो या ना सतपाल का हो गया। अरे क्यों बकवाद करे तीतर? अरे मैं बकवाद न कर रहा। अरे राम भजन, अरे आजा भाई उरे को आजा। ये चवन्नी आज फिर नाना पीटिए वीटिए मत यार, छोड़ कोई बात ना। बैठ मेरी सुन राम भजन, अब तू ही रहेगा सुनने को, तेरी भी सुननी पड़ेगी हमें। ले भाई तू तो बुरा मान के खा में खाम, मैं तो नू कह रहा था। अरे रुको रुको मैं बताऊं भाई, राम भजन हरी रिश्तेदारी इतनी ज्यादा है, कहीं से हमारा जुगाड़ करवा दो। सही कह रहा। तेरा जुगाड़ बैठाना जरूरी है के? जब सबका जुगाड़ हो सके तो हम दोनों का भी जुगाड़ हो सके। जुगाड़ तो बैठा देंगे पर उसमें तो काट देगा के तू। अरे जो दुनिया काटे वह हम काट लेंगे। तेरी मूछ दाढ़ी बाल तो सारे सफेद हुए पड़े, खोखला हुआ पड़ा, तू काटेगा? भाई दुनिया को बालक चाह तो हमें भी दो बालक चाह। अरे वैसे भी अब तो सरकार कानून ले आई कि हर आदमी को दो बालक पैदा करने जरूरी है। हाँ तेने बहुत कानून पढ़े हैं। सरकार कानून क्या लेके आई है, दो से ज्यादा बच्चे ना हो। हमारी दो की व्यवस्था तो बैठवाओ कम से कम। अरे यू तो हमारा मौलिक अधिकार है। तेने बड़े कानून पढ़े के मौलिक अधिकार है। जा अरे भैया ये तो धरती दक। अरे जाजा मरो। अरे जाजा छोड़ी ना, बस की ना कुछ भी भाई। यू ना दिल दिलवा में लुगाई, हम रडुए मरेंगे का। मेरे बारे व्हाट्सएप पे मैसेज। अच्छा के भैया के कैंप लग रहा है, जैसी मन चाहे वैसी औरत छाट ले मिल जाएगी। हां अरे मेरा भी ध्यान रखी, एक बोतल का जुगाड़ करवा दे। चल यू भी सही रही, यू चवन्नी को बात आती तर। चल मम्मी जी। हां बेटा। चांद पर लोग कैसे जाते हैं? बेटा चांद पे जाने के लिए विशेष यान बनाए जाते हैं। हम भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, पर उसके लिए बेटा बहुत पढ़ाई करनी होती है। वो तो मैं करता ही हूँ। इतनी सी नहीं बेटा, कई सालों तक पढ़ना होता है। क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस पढ़नी होती है, वैज्ञानिक बनना होता है, फिर चांद पे तो क्या, किसी भी ग्रह पे जा सकते हो आप। सूरज पर भी जा सकते हैं क्या? वो तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा बेटा, सूरज पे जा सकते हैं या नहीं। कहाँ मिलेगा? किताबों में मिलेगा बेटा, ढूंढो। ढूंढता हूँ। अरे राम भजन। अरे यू कमबख्त बैलंगड़ फिर आ लिया इसने खाए। अरे राम भजन, अरे क्या हो रहा है भैया? अरे टुकड़ा बिरान कर रखा तने महाराज, तेरी के रहती चावेर पे दिन निकलती आ ले, आजा बैठ। अरे चवन्नी लाल तो आलिया राम भजन, कुछ हमारे बारे में भी सोच ले, बहुत दिन हो लिए। अरे भाई तने तो रोटी खानी भी हराम कर रखी, करूँगा तेरा भी जुगाड़, ठहर जाएगा आदत से। अरे ठहर तो मैं जाऊंगा और भी, राम भजन सुन मेरी बात, ऐसा तो तू मुझसे और ले ले मगर मेरा जुगाड़ करवा दे। अरे तेरा जुगाड़ करूँ अभी, हमारे सलाहकार। ले बापू ले दिखा। अ तेरी ले बापू, यू मनु शादी फेरागा, यू मारे शुभ काम नहीं होने दे, खाएगा पटक दूसरे। अरे तो रहने दे, तू फेर देखिए। अरे चचा कहाँ चला? अरे कहीं नहीं जा रहे यार, तू बिना मतलब ही ठोक दे, किसी भी शुभ काम पे हम जा तू गैली ठोक दे। अरे मैं कोई टोका टाकी नहीं करा चचा, तू खामा खा। अरे रंजन बता अभी कहाँ जा रहा? अरे हम पीर पे सैनक चढ़ान जा रहे, तू धारनी। मैं कुछ नहीं धार धूर लेता, पर मैं कह रहा हूँ क्यों खामा खा तुम पत्थरों में सिर मार रहे हो बिना मतलब, क्या हो जाएगा इससे? ओ भाई कुछ हो चाहे ना हो, तेरे पता हमने कुछ पूछा नहीं, तेरे पता हमने कुछ लिया नहीं, तो चाहे गैल चलन को नहीं कहा पर पता नहीं क्यों टांग जरूर अड़ा हुआ। अरे चाचा मैं टांग टोंग कुछ नहीं अड़ा रहा, बस नोई बूझ रहा हूँ, मेरी भी नॉलेज से बढ़ जाएगी और के। अरे हम पीर पे सैनक चढ़ाओगे, घर में सुकुर शांति रहेगी, बालकों में वृद्धि होगी और सुकुर शांति रहेगी। अरे सुख शांति पत्थरों पे चावल चढ़ाने तो नहीं होनी, एक तो बालक रखो कम, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तब सुख शांति रहेगी। तुम इतनी सी बात समझते क्यों नहीं? तुम एक काम करो चचा, मेरी गैल आओ, मैं बताऊं तुम्हें क्या करना है इस चावल का। आजा मेरी गैल आ। मर गिरा सलाहकार। ले चचा यू सामान अपने सुभातो तर इस आदमी को दे दे, यू बेचारा गरीब है, इसके कमाने वाला नहीं कोई, राजेंद्र इसे दे दे दो। ठीक है थारे बच्चे हो, 5-4 बच्चे और हो। छा
बापू ये तो चार पांच का आशीर्वाद और दे दिया, कर दूं के करता रहे तुझे कौन रोक ले आदमी। चल ले भाई, बात वहीं की वहीं, बात आ गई सरक और गई। यहाँ तो आशीर्वाद मिले तो ऐसी मिले, जनसंख्या बढ़ाओ। तुम तो जी बहुत सुंदर हो, ऐसे लग रहे हो जैसे चांद जमीन पर गिर पड़ा हो। वो ना ना ना, चांद जमीन पर उतर आया हो। हाँ लो जी अंगूठी पहनो, हरे लिए बनवाई है मैंने। हाँ ये देखो हीरे की है। हाँ बिल्कुल अच्छी। और लो जी ये तो जी मेरी माँ ने बहुत हिफाजत से रखा है जी, अनुकरी तेरी बहू आएगी ना इसे वही पहनेगी। चाहे कुछ भी कहो जी, मेरी माँ की इच्छा पूरी होगी। लो जी इसे पहनो। और यूं मेरी परदादी ने रखा, मेरी माँ ते कही जब तेरी बहू आए ना उसे पहनिए। कुछ भी कहो जी, बहुत खूबसूरत हो तुम। मेरे अरमान सारे पूरे हो गए। लो जी ये मेरे बापू ने बनवाए सोने के। लो जी कैसे लग रहे हैं जी? बहुत अच्छे हैं। हाँ जी ये सब तुम्हारा ही है, अब तुम मेरे पूरे घर की मालिक हो जी। मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगा। ना ना, घर के मालिक तो आप ही हो और मेरे मालिक भी आप ही हो। तू तो कितनी लक्ष्मी है, चल घर दिखाऊं। हाँ चला। अरे मेरी राजकुमारी है कतई। फोटो चल रहा भाई? हाँ चलूंगा। ठीक है राजेंद्र, मेरी बात सुन ले। हाँ मुझे यू ऐसा लगा, मुझे इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे पहले रिक्शे वाला है ना, मुझे ऐसी लग रहा। पहले बालकों को दिखा ले, ऐसे जी पिछाड़ लिए लेकर ले बात भाई। बड़ो चला जाऊंगा जी, अपने रिक्शा में से रखा तू ना लेके जाऊं। हराम के चौथे रकात बता रहा, उतर नीचे को रकात बता रहा साले, तेरे को मैं चला सुन छोड़ के मार इसके ऊपर चढ़ के छाती में लात मार। अरे राजेंद्र ही तो वही दिख रहा है पहले वाला। मैं कह रहा हूं ये साला मुसल की लात मारूंगा साले के छाती में। आज तक देख के मुंह हाथ की लिए बे और नहीं छोड़ने का। राजेंद्र रुकिए, पहली बार ना पिछली बार मेरी बात से बहस करी है, मेरे बाल को छोड़ गए तो साला। यहां यू ना है, ये तो कोई और है। अरे ये तो जानने वाला है। यू पिट गया बता। अरे वो खोल के दिखा सका पहले। यू तो मैं खामोखाई पिट गया, पर मेरी गलती कुछ नहीं, मुझे तो इसकी शक्ल उसकी जैसी लगी, मुझे हर रिक्शे वाला एक जैसे ही लगे। मुंह लपेट रखा था इनने, मेरी कोई गलती नहीं। अरे यार तू तो जानने वाला दिखेट गया, चल बुरा ना मान्या करते। अरे तेरे में ही जाग रहे हम दुर्लो। देख भाई गलती तेरी भी है, हम बालकों के बारे में कुछ नहीं सुनते। तैन तो रखा कोई कह दी है गलती है जी। अब बैठा रिक्शा में, चल हमें दवाई लानी है। बैठो। चल रही बैठ रही बहू। बैठो बापू बैठ। चल भाई चल, तू थोड़ा पहले बोल ले। गिल्ले सारे बैठ गए बापू। चलो इनका भी तो प्रेशर पूरा आ रहा, बैठो एक भी लाइन से गलत नहीं चलेगा, यही बैठो। आकाश अब तो रोक लो, उधर खाने को पूरा ना मिलता, तुम्हें खाने को पूरा मिल जाता तुम छेर छेर के अंधी तार दोगे। देखो भाई सारे हाथ धोके जी, यहाँ टंकी चल रही है। ओ हल्लन लिखर में हल्लन, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया ओ चलिया तू चलिया।
अरे हल्लन, अरे तेरे सपनों की रानी आई ना के अभी तक? साले लात मार के बाहर फेंक दूंगा, सारी सपनों की रानी भूल जाएगा। इन्हें देख, इनकी सपनों की रानी बाहर दरवाजे पे हॉर्न बजा रही है। बाहर निकल जल्दी जल्दी आओ। ओ राजिंदर, इन बालकों में हंगामा हो रहा, ये से सारे को बांध देंगे यहाँ, फिर तू आइंदे खटपावड़ी ते सूखता। मैंने मत नु कहूंगा दुगु खेत, तू सरू की खेत में भेज, वहीं से खाड़ खोड़ में पानी पा जाएगा, दो दायाओगे युद्ध जुड़ना बंद हो जाएगा। अरे बापू भेज तो दूं, पर ये सरकार ने फ्री की लाइट की नीयत बनाई तो के कोई खुले में ना आगे ना गंदा करे। ओ राजिंदर, तू सरकार की घनी तरफदारी ना करे, देख कितनी लंबी लाइन लग रही, कदलो निमटा गयु काम। चल बापू ठीक है, खेत में भेज दूंगा, ऐसा करेंगे ये खेत में हक भी आऊंगे, खाद भी लगेगा। चलो 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 खेत में चलो। ओ अकलमंद, कहाँ भगा रहा है ना, ये खेत में गंद मचावेंगे ना, यही हक लंदे। अरे माँ कहीं ना भेज रहा, मैं ना खेत में भेज रहा हूँ, वहीं करी आऊंगे। हाँ खेत में भेज दो ही ना, चाहे भाई इनके कोई कीड़ा काट ले वे। हाँ इन्हें ना कीड़ा काट रहा, यही साले कीड़े खा जाएंगे। राजेंद्र तू ज्यादा सुरता मत बना, हम नहीं लैटरिन बनवाने के लिए प्रधान के वहाँ 100 चक्कर काटे, जब जाके ही लैटरिन बनी है, अब तू इन बाल को खेत में उतारा। अरे माँ ऐसा क्या पता, चक्कर तो हमें काटने पड़े, 12,000 हमारे खाते में आए थे, वो ही प्रधान ही खा गया। चल तू चुप रह, लूना क्या करते हैं बावली। भाई बात सुनो रे, थारी ऐसे राड न कटे, अब मैं दूंगा तुम्हें टोकन, जिसका नंबर आपको वही जागा। बैठो बैठो। अरे तू कोर्ट भर लो, निमटेगा निकलिया, ये भी बालक बिरान हो रे। निकल हल्लन, तेरी चट्टी हो गया, तूफान होगा। इसने अच्छी फांसी दी सारे बालकों के इस हल्लन ने। अरे चचा देख ले अब क्या हाल हो रहा है, हैं? और कहेगी तब मानते नहीं। अरे हमने इनसे नहीं कह रखी, 2 शिफ्ट में जाया करो, पर मेरे ससुरे एक में ही जाओ सारे, पता ना क्या बात है। जो ये आधे तड़की चले जा रहा, आधे सांझ को मेरी सारी दिक्कत खत्म हो जा, पर तेरे ससुरे तड़की लेन लगा के बैठ जा, पता ना के लड्डू मिले ने। अरे हमें एक बात बता, यू मारी प्रॉब्लम है तेरी, तू धार ले, तुझे कौन बुला रहा अपने घर को? अरे तुझे ही तो लग रहा है तेरी प्रॉब्लम है, यू सबकी प्रॉब्लम है, अब तुम पर यहाँ अगवा लग रहा, बता सबसे। अरे चाची तू भी लाइन में लग रही दिखे। अरे मैं लाइन में न लग रही हूँ, मैं तो इस बहू के मारा खड़ी हूँ, मैं तो सवेरे 4 बजे चली गई। अच्छा देखिये चाची, तू और यू बहू तम ऐसे हंगामे में अच्छी ना लगती, तम एक काम करे करो, तुम्हारे नींगे चली जा करो। आ बहू चल, चाची ले चली से, आ जाओ। सवेरे तो तू उठती ना। अरे बापू मेरी बात एक समझ में नहीं आती, घना बड़ा समझदार बना, इसे एक दिन ठोक दूंगा। हम जरूर ठोक करेंगे, चिंता ना मन। पता ना मेरा ससुरा कहाँ का ही वकील बन रहा, कालिया साला कौवे जैसी शक्ल का। हंगामा चल रहा था रहा तो। हाँ तू जा, चले जा साले भुंडी शकल के। नंबर तो ये रहा, क्या उठने को हो रहा। ले चाय दे दे सर तू को। ले भैया चाय। राखी चल घर चल, माँ से मिलिए, ये बहुत दिन हो गए मिले हुए तुझे। पूछ ले अपनी मौसी से। अरे मौसी। हाँ बता बेटा। अरे राखी को भेज देती, मिली आती माँ से। अरे के भेज देती इसे, कैसे भेज दू इसे, अभी तो मौका सही ना है। अच्छा आ जाओ। मका बहुत दिन हो गए मिली आती। अरे भैया इसका मिजान सा ना है जाने का अभी। क्यों मिजान को क्या हो गया? अरे तुझे के बताऊं, पर चल ले तू जुम्मा पड़ रहा तो बता ही दो। इसे दिन से चढ़ रहे हैं, है कुछ इसका पाँव भारी है। अरे मौसी तू इन लोंडियों का क्यों पाँव भारी करवा रही? बुंड थूथड़ी के, मैं क्यों करवाती पाँव भारी अपने जीजा सबूज? ऐसी तूने सीमा के गैल करवा रखा था, अब तू यो बता मैं होली पे कोथली लाऊं या छूचक लाऊं? क्यों तूने मेरा चक्कर डन करवा रखा? ए निर्भाग कम मखत, तेरे पे के जोर पड़ रहा, कोई तो खुश हो हमारी भांजी भांजे हो रहे, तू यहाँ नाक मार रहा। चची छोचक की तो मांग रहे तेरे से, कोथली की तो क्या ही ना रहे, छोचक लाए जा। अरे मौसी कुछ हिसाब किताब भी तो होता होगा, हर 10वें महीने में मुझे छुचक लाना पड़ लिया है, बच्चे तुम्हारे हो रहे हैं और कर्जा मेरे सर पर चढ़ लिया है,
अरे कुछ तो रहम करो, बाल बाल बिंदगिया है हैं इन भांजे भांजों के चक्कर में। अरे मौसी कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर। अरे तू कुछ देवे या मत देवे, पर तू मेरी पोती पोते को तो रहम रहम करा मत ना, जा अपने घर को। शर्म तो ना आ रही होगी तुझे, देख कितना बोल रहा है। अरे मुझे तो शर्म बतेरी आवे, तुझे तो ना आती पर। ए शर्म तो मुझे बहुत आवे, पर क्या करूं, गांव का बालक बालक जान गया मुझे। और जनसेवा केंद्र वाले नू कह रहे थे कि रिश्तेदार कुछ छूचक उचक ना लाया। लो अपनी भेंट पकड़ो, मैं चलूं। अरे मैं कहना चाबूंगी, मेरी पोती पोते इनको दे जा सब 10-10 रुपया। बोलता क्यों ना बैठा घूमड़ा सा। सब खाल पाड़ लो मेरी। अरे मौसी मैं बालकों को 10-10 रुपए दे तो देता, पर क्या करूं, फिर मेरे पास भाड़े को पैसा ना बचे। अरे आया साइकिल से, जाओगा साइकिल से, 10-10 रुपए दे जा पर बालकों को। अरे मौसी साइकिल की भी तो ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने मेरी। अरे बताओ वो मौसा ले गए थे, वो मेरी टीप फाड़ लाए, वो चल के मुझे पड़वानी है। अरे तू पर जा इन बालकों को ले जा, अरे तू इनके सबके बाल छटवा ला, हम ना ले रहे तेरे से 10-10 रुपए, जा। यूलो मौसी तुम अपने 10-10 रुपए पकड़ो, और जिसे छटवाना तुम अपने हिसाब से छटवा लियो, और मेरा छोड़ो तुम पेंडा, मैं चला अब। अरे भूखा ही जावेगा, रोटी वोटी खा के जाइए, बड़न लग रही है। हाँ कल वाली रोटी मेरी छत्ती पर रखी, अभी बोई नीचे गुना गई पेट में। अरे अभी तो वे भी ना है यहाँ, वे खेत पे गए हैं, उन्हें भी आ जान दे, उनसे मिल के ही चला जाइयो। उनसे तो मैं रात ही बतेरा मिल लिया था। तू बचा लन दे मुझे इन लकड़ बग्गो से अपनी जान। मेरा काम बिगड़न लग रहा, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे ना मानता तो चला जा भैया, नुकसान ना होना चाहिए तेरा। ठीक है राम राम। राम राम के बात रहे, तू चल दिया। हाँ जी मैं तो चल दिया, लेकिन मौसा जी तुमने बालक बहुत बिगाड़ रखे। बालकों के बारे में कुछ मत बोल दी। ओए सुन, मेरे आगे बोल दिया तो बोल दिया, मेरी माँ के आगे ना बोल दिए ना लगते पैर देगी। बिल्कुल बालकू की नहीं सुने हम। अच्छे अगरे बालक तो, और बालक कैसे हो? इन बालकों ने तंग कर दिया। यू चुप चुप बैठी जाए, फिर क्या होगा, इसके भांजे भांजे ना आए, बकवाद कर रही है। जीजा जी भांजे भांजी तो हैं, लेकिन इन भांजे भांजियों ने मेरी साइकिल का नाश कर दिया। अरे चल कोई बात ना, अगली बार नवी ले आइए। और एक बात सुन, यहाँ मोहल्ले में थोबड़ा ठीक करके जाइए, कदी न्यूई भुंडी शकल करके जा, और ना हमें मोहल्ला न्यू कहेगा कि इसकी सेवा ना करी, और हमने पूरे दिन तेरी सेवा में लगा दी, सारी पूंजी खत्म कर दी हमने। हाँ तुम्हारी पूंजी खाकर ही मैं इतना बड़ा ना हुआ। और हाँ तुझे जाते जाते एक बात बता रहा हूँ, मोहल्ले में किसी की शिकायत ना आ जा कि तेरी सेवा ना करी, और ना तुझे पता फिर मैं कैसा आदमी हूँ। हाँ पता है तुम कितने बड़े वाले कंजर हो। और सुन जाते जाते एक बात और सुन ले, जो तेरे से बात बताई उसे ध्यान रखिए, और ना पता तुझे फिर मैं कैसा आदमी हूँ। हाँ पता है कैसा आदमी है। अरे सुन तो। अरे राजिंदर नाच बना धरा, चक्की पे धरता चला जाओगा, कौन ले जाएगा सिर पे धर के वन लो और वजन मरेंगे। बापू रोकिए ऐसा। अरे सुन तो भले आदमी, तू तो मुंह से बना के चल पड़ा। राजेंद्र ले आओ कटका, क्यों कटा के। अरे मौसा जी इसकी तो टीप फटी पड़ी। अरे टीप तो पिटी रहने दे, टीप में के करना, तू इस पे धरू चला जा, और टीप तो तू फिर भी नवी गिरवाओगा, उससे की भी गिर रहा। जा रे राजेंद्र कट्टा टेक ले बापू, उसकी पिसाई दे रखी थी पिछली, पिसाई हम के देंगे, यूं देता जा। वो भी इस पे रख दो ना, देता जाइए तू 10 रुपए दिखे उसके, दे दिए दे दिए उसे, रखे ना करते किसी को।